सिविल लाइन स्थित राजभवन में एक बार फिर चंदन चोरों ने परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल चंदन चोरों ने राजभवन परिसर में 3,50,000 रुपए कीमत के पेड़ चुरा लिए, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए हैं। सिविल लाइन स्थित राजभवन में एक बार फिर चंदन चोरों ने अपना निशाना बना रखा है। दरअसल बुधवार रात चंदन चोरों ने राजभवन परिसर से 3.5 लाख रुपए की कीमत के 6 पेड़ चुरा लिए। इस घटना की जानकारी सामने आते ही शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। गौरतलब रहे कि चंदन चोरों की टोली बीते 2 साल से शहर पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। 2 साल में 15 से अधिक वारदातें हुई। राजभवन परिसर में ही अब तक 3 घटनाएं होने का पता चला है। कल सवेरे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, वहाँ से कुछ चंदन के पेड़ काटे हुए देखे थे, स्पॉट पे विजिट किए, देखे वहाँ से तो उस परिसर से, जंगल परिसर से रेकुन 6 पेड़ वहाँ से कटे हुए दिखे हमें। इसके पहले वहाँ पे चोरी हुई थी, हमने डिटेक्ट किए थे सारो, जो उसके जो आरोपी थे सारों को हमने अटक किया था, पूरा जो मुद्देमाले हमने रिकवर किया था, और वहाँ पे जो गार्ड लगे, जो कि सुरक्षा वहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि बारिश की वजह से इसने वहाँ से जो भी चंदन के पेड़ काटे वो आरोपी हम लोग जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। आपको बता दें कि चंदन चोरों की टोली ने काटोल मार के अन्ना साहेब गुंडेवार कॉलेज परिसर में प्रवेश किया, वहां से सुरक्षा दीवार फांद कर राजभवन में प्रवेश किया और 6 पेड़ काट कर साथ ले गए। सुबह सुरक्षा कर्मियों को इस घटना की पता चलते ही उन्होंने इसकी जानकारी सदर पुलिस को दी। बहरहाल राजभवन परिसर सुरक्षा के लिए सुरक्षित माना जाता है, यहाँ राजभवन कर्मियों के साथ ही पुलिस की भी तैनाती रहती है। इसके बावजूद चोरों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।